जा रही हूँ, आप रोएंगी तो नहीं? आया तो रोएगी, देखो आया तुम रोगी, मैं चली जाऊंगी तमीज से बिल्कुल। लोग बोलते हैं कितने बदतमीज बच्चे पैदा करे हैं आपने, सिर्फ मुझे हटा के। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रास्ते में से आ रही थी, बट मेरा बोलने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, तो बस पार्लर आई हूँ क्योंकि कल मैं जा रही हूँ कहीं तो जा ही रही हूँ। तो बस अभी काम कराऊँगी और उसके बाद फिर मुझे जाना है एक और जगह काम करवाने, फिर शायद मैं बोल जाऊँ कुछ पता नहीं है। मेरी जो मैंने थोड़ी बहुत हाईलाइट कराई वो डन हो गई है, अभी फाइनल लुक मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे बालों में लुक में क्या आ रहा है। तो मेरी गंदी शक्ल दिखाएगा और डीडी सही कहती है कि हमारे गंदे मुंह लेती है। तो गाइस अगर आप लोग रुक से काम करवाना चाहते ना तो मैं तो कहती हूँ मस्ट आए यहाँ पर, हमेशा की तरह अति सुंदर। सविला की वैली आ गए, सविला का भी शूट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शूट करवा लूँ अपना आज, ने बोल जाना है और भी देखते हैं। जल्दी जल्दी शूट करो, टाइम बहुत कम है। गजरे नहीं दिलाते गाइस, कैसे तुम्हारे हाथों में गजरे थोड़ी अच्छे लगते हैं, तुम्हारे वो गाय के पैरों में नहीं डालते वो जो चामा, तुम्हारे हाथों में वो गजरों में तुम्हें कहां, तुम्हारे नाजुक हाथ थोड़ी है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हारा हाथ थोड़ी है फावड़ा है, फावड़ा इससे तुम जो है ना रेती खोदा करो, वो जो तुम कितने बदतमीज इंसान हो, ये वाले हाथ जो है ना, ये वाले हाथ वो क्या कहते हैं, मुझे तो कोई गजरे बनाने वाला भी नहीं है। अभी कॉमेंट्स में गाइस इसको बताया आप में से कौन कौन इसको गजरे दिलाएगा, गजरे दिलाओ मुझे, मुझे कोई नहीं है गजरे। लेकिन मेरा वादा है कशफ, तुम्हें मैं तुम्हारे हाथों के लिए तुम्हें मैं वो लेके दूंगा गाय के पैरों में जो पहनते हैं यार, उसका अख्त किया छन छन यार, आप देखना तुम्हें मेरे जो फैंस बैठे हुए ना वो तुम्हें कितनी गालियां देंगे, तुमको पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं एंड आई लव यू टू ओनली एज फ्रेंड यार। वो नहीं होते कुछ जो फ्रेंड, मिसाल के तौर पे अक्सर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका पूरा दुनिया को लग रहा होता है चक्कर चल रहा होता है लेकिन उनको पता होता है कुछ भी नहीं है, तो अपना वो वाला सीन है कि पूरी दुनिया को लगता है इन लोगों ने शायद निकाह करके खत्म भी कर दिया है जो सब कुछ कर दिया है, लेकिन ये लोग वो हम लोगों को पता है कि हम तो दोस्त ही है। जो बात है, जो बात है। देखो इसमें सिग्नल तोड़ा है, ये क्या तरीका है इकरार, आप सिग्नल क्यों तोड़ रहे हैं? ओह माय गॉड, अब लोग बोलेंगे कि कशफ लड़कों के साथ बैठी हुई थी, नहीं पता ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, लेकिन हम जो है ना एक मैदान में खो गए थे जहाँ पे मेला चल रहा था गाइस, इन दोनों ने सिर्फ अपने लिए बनाया और मेरे लिए कुछ भी मतलब नीच जूस वगैरह शेक वगैरह कुछ नहीं मंगाया। मेरी बात सुनना, ये वाला जूस पीने के बाद मैं खाना नहीं खा रही थी, मेरा एक टाइम का खाना एक टाइम की मील है, तुम ये जूस अभी पी भी रही है, दिखा ना ये जूस पी भी रही है, और इसके बाद तुमने एक सैंडविच भी ऑर्डर किया हुआ है और उसके अलावा तुमने पेरी बाइट्स भी ऑर्डर किए हुए हैं जो तुमने ही खाने, तुमने वैसे हमारे लिए ऑर्डर भी कुछ नहीं किया। मंगवाने से तुम्हें दिल नहीं हो रहा, जूस पी लेना कशफ, दरक्षा को वीडियो कॉल करेंगे हम, ठीक है। हेलो दरक्षा, मुबारक हो आप हमारे व्लॉग में हैं। आपकी खुशकिस्मती है कि आप कशफ अंसारी के व्लॉग में आ गई हैं, व्लॉग में, व्लॉग नहीं होता, व्लॉग व्लॉग। हुरैन, उनको बड़ा करो। हुरैन हुरैन कहाँ है? हुरैन आई मिस यू, मेरे पूरे खानदान वाले, आई मिस यू, मेरे पूरे खानदान वालों ने हुरैन के साथ मेरी वीडियो थी ना वो लगाई हुई है शाम के साथ। ओह सो माय मील इज हियर, सो राइट नाउ वी आर एट होम। क्या हुआ? जल्दी आने की खुशी हुई, फूल फेंकेंगे आप पे जो के हैं नहीं। कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, कैसी हैं आप? मुझे ये बताया चांद कहाँ से निकला है? लेकिन नहीं, मैंने ये पूछा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए शो में से? आप
चांद को देख नहीं पाती है। नहीं ये चांद इतना बड़ा चांद ना मेरी आंखों में। मैंने फूल भी बरसाया आप ही पे बाहर अभी। खाने वाली चीज देखो। तुम कल कब जा रही हो? मैंने भी नहीं खाया। सुबह 11 बजे। और इतनी जल्दी? तो मतलब तुम, ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं टिकट प्लेन में जा रही हूँ, क्योंकि बाइक पे नहीं जा रही, गाड़ी में नहीं जा रही। गाइस मैं कल जा रही हूँ, बताऊंगी कल ही कहाँ जा रही हूँ। भाई क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं। क्या हो गया इनको, क्या हो गया? कुछ नहीं बता इनको, क्या हो गया? जा रही हूँ। आप रोएंगी तो नहीं? आप रोएंगी तो नहीं? आयत रोएगी। देखो आयत तुम रोगी, मैं चली जाऊंगी तमीज से। बिल्कुल लोग बोलते हैं कितने बदतमीज बच्चे पैदा करे हैं आपने। आप भी में सिर्फ मुझे हटा के इतने बदतमीज बच्चे क्या खाया था आपने जब ये पैदा हुए थे? तुम्हें पाव भाजी खाया होगी, तुम्हारी शक्ल पाव भाजी है। पाव भाजी काली दाल खाई होगी इसके टाइम पे। क्या खाई होगी? काली दाल। काली दाल, काली दाल तुम्हारे टाइम पे। तुम्हारे टाइम पे काले छोले खाए होंगे। पाव भाजी खाई थी तभी इतनी खूबसूरत मिर्ची वाली मिर्ची पैदा हुई। क्या खाया था आपने इसके टाइम पे और फारिस के टाइम पे, क्या आप मुझे बताएंगी? उसमें तो छड़ी मूली खाई होगी। बातें करती है बस और कुछ नहीं। छड़ी मूली खाई होगी उस नाक के छीजड़े के टाइम। लोग पूछ रहे हैं आयत आजकल कहाँ गायब है, तो आयत व्लॉग में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आयत के चल रहे हैं पेपर्स और आयत अपने पढ़ाई पे फोकस की हुई है। झूठ बोल रही तो मैं इतनी बुरी रियल में नहीं लग रही जितनी बुरी तुम व्लॉग के अंदर आ रही हो। तो मेरी आवाज इतनी सड़ी भी हो जाती है व्लॉग में। और तुम इस पर तुम्हारे दांत भी इतने गंदे से आ रहे, पता नहीं क्यों ऐसे नहीं लग रहे। गाइस आप लोग मुझसे रियल में मिला, आप लोग दोनों बेटियों में सबसे खूबसूरत है। दोनों बेटियों, दोनों बेटियों में सबसे ज्यादा कौन खूबसूरत है? मैं। अच्छा इसकी शक्ल देखिए और लोगों का कमेंट आएगा। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ, घर आने के बाद मेरा सर इतना दर्द कर रहा है क्योंकि मैं आज ईमानदारी के साथ सुबह ही सुबह उठ गई थी 10 बजे। हाथ में लाओ। हाँ 10 बजे में उठ गई। झूठ बोल रही है, कितनी झूठी है। आप बात नहीं कर रही है, देखिए मैंने थोड़ी सी पिन करी है। हाँ जब ये स्कूल जाती है, मैं ये बोल रही हूँ, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं ना पंखा लगा के जाती हूँ एकदम प्रॉपर, उसको लिटा के इसके ऊपर पंखा एकदम मुँह पे करके जाती हूँ क्योंकि मैं अपने मुँह पे करके सोती हूँ। आज ये गई तो पंखा बंद करके चली गई। मैंने बोला था 11:30 बज रहे, इसको उठा दो। फजीला की कॉल आई थी 11:30 बजे, 11:00 बजे 11:15 पे आई थी। उसने मुझे कॉल करके बोला आंटी कश्यप को उठा दे। मैंने कहा खैरियत तो कह रही है, उसको जाना है। मैंने कहा अच्छा सही है, मैं आके सो गई। मैंने कहा अभी 11:00 बजे, 12:00 बजे तक जाना है इसने। मैं आके सोई हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उठी 11:30 के टाइम पे, तो ये उठी, उठ गई, उठ गई। आप लोग को बताती हूँ कि आज फारिस क्या कर रहा है। फटाफट समेटो, मैं आ रही हूँ। फारिस क्या कर रहे हो? अल्लाह मेरा बच्चा बहुत काम करता है। आप लोग को पता है क्या कर रहा है? वो नीचे बैठा हुआ पानी भर रहा है क्योंकि मैं पूरा दिन आज बिजी थी और मेरे काफ़ी सारे काम ये करता है। और ये नीचे यहाँ मोटर के पास बैठ के पानी भर रहा है। क्या दिखाया ना? नहीं दिखाया, झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हारा कोई बैग नहीं दिखाया लोगों को। क्या बोल रही, दोबारा बोलो। इसका इधर बोला का बैग से बैग है, मैं आज पहनते हैं लड़के लड़का भी पहनती है वो। हाँ वो अगर आपको मिल जाए तो उसके मेरे कब्जे हमारे पास, उसके अंदर आपको खजाना मिलेगा। फारिस के खजाने में क्या है ऐसा? फारिस तो काम कर रहा है भाई, मैं तो जा रही हूँ ऊपर जाके थोड़ी देर लेटूंगी, फिर मम्मा पापा के साथ बैठूंगी ताकि फिर बाबा के साथ भी थोड़ी सी बात करूँ। आप लोगों को बाबा की बातें पसंद आई थी ना, इसलिए। बाबा बोल रहे हैं कि जो है, मैंने बाबा को बोला कि बाबा आपने जो सिंधी में पोयम सुनाई थी उस दिन, आज आप सिंधी में कुछ ऐसा बताएं। हमारे व्लॉग में आने वाले हैं मिस्टर इस्फाहान अंसारी, ये सनोबर अंसारी के शौहर। तमीज ही नहीं है लोगों को कि बंदा व्लॉग बना रहा है तो सामने से उठ के चला गया। तुम्हारे मुंह के ऊपर जाऊंगा क्या? तो इतना शराफत से क्यों बैठी हो तुम बाबा के सामने? बाबा बोले कुछ, बाबा मेरे बारे में अच्छे सब बोलती सुनी बोलिए। और मम्मा यहाँ बैठे बैठे भी फुल मच्छर मार रही है। आंगन वाले प्यास बाबा, ये क्यों लेके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों का सबक ढूंढ रहे हैं? बाबा जो आप हमें पोयम पढ़ के बनाते थे, ओनियन ओनियन माने प्याज, प्याज जमीन में उगती है, बाजार में आके बिकती है, अम्मी खरीद के लाती है, नाना नानी काटते है, दादा दादी हंसते है, अब्बू पकाते हैं, सब आराम करती है। आ, 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 आ,
क्यों गाते हैं? अच्छा ही म्यूजिक पे आ आ आ और ये मेरी कजन है बख्तावर, ये आई हुई है इबाद की बहन और इबाद तो गोरा वाला। अच्छा ऐसे बता रहे माशाल्लाह इबाद हमारा उम्रे पे गया हुआ है, अल्लाह पाक उसका उम्रा कबूल फरमाए और हमें भी तौफीक दे, मम्मा को भी बाबा को भी। मुझे इतनी तौफीक दे कि मम्मा बाबा को उम्रे पे भेज सकूं। यार अम्मा आप तो हर जगह चलाना शुरू कर देती है रैकेट। अम्मा का तलवार है, पेट में घुसेड़ देंगी किसी दिन तुम्हारे दांतों में ना घुसेड़ दे। तो मेरी मामी की बेटी है, मतलब मेरे मामू की, मेरी मामी की बेटी है, मतलब मामू का रिश्ता अलग होता है क्या? मतलब मामू और मामी दोनों की बेटी है ये। मेरी दोस्तों ने मेरा ना वो लगाई हुई रिकॉर्ड, बोलती है तुम जब मदरसा जाती हो तो एकदम आ रहा और बाल जाती तो अक्खा खुला जाती तो ये तुम्हें सोचना चाहिए ना, आपको सोचना चाहिए कि आप मुझे क्यों लेती हैं व्लॉग में। तो अच्छी चीज अच्छा साइड भी दिखाती हूँ मैं लोगों को। वो अच्छा साइड पे नहीं जाता, वो भी खराब साइड पे जाता है। अब तुम नमाज भी पढ़ रही होगी तो भी मैं व्लॉग में लूंगी ताकि लोगों को दिखे। इवन मैं सदका भी दे रही होंगी तो भी मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। नहीं तो आप ऐसी चीजें लेती कर रहे हैं, लोग यही कहते हैं कि जब आप देख लिया मैं हमने सदका दूंगी, मैं पैसे दूंगी। जब हमने सदका दिया था तब आपने दिखाया था मगर मैं खिलाया था लोगों ने कितने, उसके बाद से मैंने कोई दिखा कुछ भी नहीं दिखाती व्लॉग के अंदर। इवन हमारी कोई न्याज भी बनती है वो भी नहीं दिखाती। मुझे लगता है कि व्लॉग मैं मुझे सीरियसली ऐसा लगता है यूट्यूब एक ऐसी जगह जहाँ पे ये चीजें दिखाओ तो बहुत से अलग अलग लोग होते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। अब जो हमारी पर्सनल चीजें वो मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊं। तो कुछ अच्छा सुनना चाहते हो? उस दिन आप सिंधी में पोयम बता रहे थे, लोगों को बड़ी पसंद आई थी। याद है तो निकल जाए बाबा सिंधी में। पापा सिंधी आपको कौन कौन सी जबानें आती है? हवा करती थी शुभ शुभ किता किता शान पोते ना का पारे शान पोते का ना पारे शान मोती मोती अरे मोती मोती अरबी बार अरबी अरबी ऐशा ऐश मुश्किल मारिश मारिश आना माफी रो आना माफी रो नो। अच्छा बाबा आज आपसे एक सवाल है, आपने ये बताना है आपके चारों बच्चों में से आपका फेवरेट बच्चा कौन है? बाबा ने मुझे खींच लिया फौरन अपनी तरफ। ये तो पक्का झूठ है। और मेरा फेवरेट बच्चा कौन है? आपका फेवरेट बच्चा दोनों बेटे हैं मेरी वैसे। अम्मा की फेवरेट तो मैं ही हूँ, ये तो आप पूरी दुनिया को पता है कि लोग ये नहीं देखना चाहते। आया लोग ये नहीं देखना चाहते, लोग बोलते हैं आप जनाब से बात कीजिए। यार ये बुलाओ में फिल्टर लगाओ यार, हमारे घर में लाइट्स कम है ना इसलिए थोड़े गरीब है हम लोग। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, आप घर में कैसे गुफ्तगू करती रही हो? व्लॉग में आके आप ऐसी गुफ्तगू करती हो, आप एक चुप करके कोने में पड़ी रहती हो, चुप करके इससे बात नहीं करती। बच्चा कौन है? एक बताना है, एक आया पीछे हट जाओ, टू बी ऑनेस्ट बाबा, टू बी ऑनेस्ट बताना है। मेरा आपका फेवरेट कौन? अम्मा ये आपकी औलादों में से बात हो रहा है, आपकी औलाद की औलाद की बात नहीं हो रही। जिंदगी है वो जिंदगी, आपकी जिंदगी का क्या है? अम्मा बोलती है मेरी जिंदगी का मालिक, मेरी जिंदगी का सरमाया, मतलब अपनी जिंदगी उसी के नाम पे करती है। मेरी जिंदगी के मालिक, जिंदगी ने बहुत कम दिए। अच्छा ठीक है बाबा, आपका कौन फेवरेट है? एक बताएं कौन फेवरेट है? नहीं बता सकता बेटा। क्यों? क्यों? चॉकलेट जब रैपर में से निकलती है तो पूरी चॉकलेट अच्छी लगती है ना, खाते खाते टाइम तो वही अच्छी। नहीं बाबा मुझे एक इंसान शुरू का एक बाइट अच्छा लगता है, लास्ट नहीं तो पूरी खा लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी डाल चाप कोई भी नहीं छोड़ता है तो बस ये बोले ना चॉकलेट डेरी मिल्क भी, किट कैट भी और सारे सभी बोल रही हूँ मैं आपको। पापा ने भी अच्छी मिसाल दी कि जब चॉकलेट निकालते तो पूरी खाने का दिल मेरी क्लास में पहली बार पश्तो बच्चे आए खाएंगे, मैंने की पहली बार पश्तो से बोली सा या खूब रावड़ा क्या बोले किसने मारा है जय टूर क्लास होना कलाड़ सही चले क्लासों में जाए जादू का कपल क्लास तो जाओ और चलो ठीक है। अब मतलब आप लोग का फेवरेट में मैं और आया था आपकी फेवरेट है और मम्मा की मैं फेवरेट हूँ।
मम्मा की सच में मैं ही फेवरेट हूँ, सच है। फेवरेट नहीं है आप, मेरी फेवरेट नहीं है आप, मेरी जिंदगी है, क्योंकि आप मेरी हर 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 बात को मैं एक बात बताऊँ आयत भी मेरी हर खुशी का हर उस बात का ख्याल रखती है कि मम्मा ने बोल दिया तो बस बात खत्म हो गई। आप मेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती है, लेकिन कहीं कहीं आप मुझे बिल्कुल इग्नोर मार दो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी चीजों में उलझनी भी होती हूँ। 25 साल से क्या उसकी उर्दू सही नहीं है, मैं कभी कभी कुछ चीजों में उलझनी भी होती हूँ, उलझनी हूँ, मतलब सादा को क्या बोलेंगे, उलझी हुई हूँ, उलझनियों में, उलझनों में। हाँ ये जो आप बोल रही थी ये बोलना चाहती हूँ, मम्मा की मैं दिल हूँ तुम जिंदगी, अगर दिल नहीं होगा जिंदगी का फायदा क्या। मम्मा तो फिर मैं आपको इग्नोर नहीं करती, आप मेरी जिंदगी में बसती हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, मेरी जिंदगी की लाइट हैं, जब तक वो लाइट नहीं चलती तो मेरी जिंदगी नहीं चलती। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, मैं बहुत बार थक गई हूँ, लेकिन अभी मैं बैठू ये सारे मेरे फॉल पट्टे खोलने के लिए, तो मैं बता रही हूँ अब मैं आप लोग बता रही हूँ, मैं अभी मम्मी पापा के साथ गपशप लगा रही हूँ, फिर मैं लेटने के लिए जाऊंगी अंदर। मैं बहुत थक गई, जुड़वाली है, कसम से जुड़वाली है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। मैंने अभी अपने सर में ऑयल लगाया है और बस अब मैं जो है ना जाऊँगी, जाकर पैकिंग करूँगी क्योंकि मुझे सुबह निकलना है और अभी तक मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं किया। हाँ हो सकता है कि पैकिंग करते हुए मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाऊं, बट ये मैं व्लॉग की अभी से एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इतनी मसरूफ हो जाती हूँ एंडिंग करना भूल जाती हूँ। बट मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर लाजमी करना है। शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है, एरो में बना हुआ होता है, आपने उस पर जाना है, अपने व्हाट्सएप पर लगाना है और जहाँ जहाँ दिल करना है आपने अपने व्हाट्सएप पर अपने प्यारों को आपने भेजना है कश्यप के फैमिली वाले व्लॉग। और कमेंट सेक्शन में जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे कमेंट में 5 से 10 कमेंट तो लाजमी करा करें। और मुझे पता लगता है मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने में फ़्लो में लाइक करना भूल जाती हूँ, वरना मैं लाजमी पढ़ती हूँ और मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय बाय।